जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल इन्वेटिव हाइप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी डिजी लॉकर में अपनी मार्कशीट अपलोड नहीं कर पा रहे हो या आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड नहीं कर पा रहे हो, सो वहाँ पर आपको नो कार्ड फाउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ जिसके जरिए आप कुछ मिनट में ही अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड कर पाओगे विद इन फ्यू मिनट्स में। सो दोस्तों अगर आपने चैनल पर विजिट किया तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में भी अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड कर पाओगे और आप कोई भी अदर डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर लाइव सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी मार्कशीट ऐड करूंगा ठीक उसी तरह से आपको भी अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर में ऐड कर लेनी है। ओपन करने के बाद दोस्तों फोर ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहे होंगे, होम, सर्च, इशूड एंड मेन्यू। सो आपको यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीन सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, सेटिंग, हेल्प, राइज क्यूरी। सो आपको यहाँ पर राइज क्यूरी पर क्लिक करना है। राइज क्यूरी पर क्लिक करने के बाद आप डिजी लॉकर के हेल्थ सेंटर पर पहुंच जाओगे जिसके जरिए आप उनसे यहाँ पर हेल्प मांग सकते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वेलकम टू डिजी लॉकर सपोर्ट सेंटर। सो सिंपली आपको यहाँ पर अपना ईमेल एंटर कर लेनी है। जो भी ईमेल आपने जब अकाउंट बनाया होगा तब आपने लगाई होगी वही ईमेल आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर कर लेता हूँ। ईमेल एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ओटीपी सेंड टू योर ईमेल, वो आपको ईमेल नीचे देखने को मिल रही होगी। सो हमें यहाँ पर इस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। सो ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ओपन ए न्यू टिकट। सो आपको यहाँ पर अपना नेम फिल कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और नीचे आपको अपनी हेल्प का जो इशू है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। वो आपको कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर वीडियो को फुल वॉच करना है तभी आपको पता चल पाएगा। तो ऊपर मैं अपना नेम फिल कर लेता हूँ। नेम फिल करने के बाद दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसे नीड हेल्प वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साइन इन, साइन अप रिलेटेड इशू, यूजर नेम रिलेटेड इशू, आधार रिलेटेड इशू, जहाँ पर आपको बहुत से इशू देखने को मिल जाएंगे। सिंपली हमें यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है नो कार्ड फाउंड, तो हमें यहाँ पर नो कार्ड फाउंड पर क्लिक करना है। नो कार्ड फाउंड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, सब कैटेगरी। सो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड नहीं कर पा रहे हो सो यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर अपनी मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, वो है आपकी अकेडमिक बोर्ड पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्लीज साइट योर इशू इन डिटेल विद द स्क्रीनशॉट ऑफ एरर। सो आपको यहाँ पर नो कार्ड फाउंड का एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसको आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सो मैं यहाँ पर पहले अपने इशू यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अपने इशू फिल करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना एक स्क्रीनशॉट फिल कर लेना है नो कार्ड फाउंड वाला। सो मैं यहाँ पर अपनी गैलरी से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हमें यहाँ पर चूज डैम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम अपनी मोबाइल की स्टोरेज में पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके अपना स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, सो मैं यहाँ पर उसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों 24 आवर के बाद आप अपनी मार्कशीट, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में ऐड कर पाओगे विद इन फ्यू मिनट्स में। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप वहाँ पर डिटेल फिल करोगे वो आपकी डिटेल करेक्ट होनी चाहिए, फिर ही आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाओगे, नहीं तो आपको फिर से नोर कार्ड फाउंड ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो में अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमने चैनल पर निवेश किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कभी भी आपको डिजी लॉकर के रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और भी कोई आपको इशू हो, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल वीडियो देखने को मिल जाए। दोस्तों अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम मेडिकल लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाके मुझे कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो मैं 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूं। सो दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।